सर हम लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा यही मिशन आया के मतलब प्रांतीय लखनऊ अध्यक्ष का ही आदरणीय है। श्री कुमार शुक्ला जी के साथ पूरी प्रांतीय कमेटी लगातार शिक्षा मित्रों के हित में शासन में अभी के सरकार समय की में बात है। न्यायालय में लगातार ऐसी पैरवी कर रहे हैं जिससे हमारे 1.5 लाख शिक्षा बिल्कुल मित्रों के परिवारों का भला हो सके। अब जैसे आपने कहा कि लोग जहाँ ठंड में घर में आराम कर रहे होंगे वहां हमारी पूरी प्रांतीय कमेटी लगातार दौड़ रही है। सर ये 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का भरोसा हमारे ऊपर है, हमारे संगठन के ऊपर उनका इतना भरोसा है, उन्होंने हमारा इतना साथ दिया है कि उनके लिए जाड़ा गर्मी बरसात चाहे कुछ भी हो हमें दौड़ना है और उनके सुरक्षित भविष्य को लेकर के हर वो काम करना है जिससे उनका भविष्य अच्छा हो सके। उन सबकी ऊर्जा, उन सबका आशीर्वाद, उन सबकी दुआएं हम लोगों के साथ हैं। हम लोगों को कोई भी मौसम अब रोक नहीं पा रहा है क्योंकि इतना बड़ा परिवार हम शिक्षा मित्रों का है, साथ ही अनुदेशकों का भी भला हो जाए, हमारे भाई हैं, हम सबके लिए अच्छा चाहते हैं। और एक चीज और कहना चाहते हैं आपसे, हम लगातार लखनऊ से लेकर बनारस दिल्ली जहां भी हम लोगों को एक आशा की किरण दिखाई देती है वहां पर रात हो चाहे दिन हो हम दौड़ लेते हैं। लगातार 2 दिन से दिल्ली में सबसे मुलाकात करने के बाद अब हम लोग दिल्ली से निकले हैं, सुबह 4-5 बजे तक लखनऊ पहुंचेंगे, पूरी रात सफर में रहेंगे। सर हम लोग बस यही चाहते हैं कि जो एक आशा की किरण जगी है 6 साल के बाद उसको हम लोग धरातल पर लाएं और ऐसा आदेश राज्य सरकार द्वारा हो जाए कि हम सभी शिक्षा मित्र अपने परिवार को पालने में सुरक्षित आग्रह महसूस पूरे करें, हम लोगों को मेडिकल की सुविधा उपलब्ध हो, मूल विद्यालय हो, महिला बहनें जो हमारी अपने जनपद जाना चाहती ससुराल के वो चली जाएं और जो हमारे मृतक शिक्षा में साथी हैं उनकी भी सहायता हो जाए, इसी को लेकर हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं। अभी एक कल निर्णय आया जो बीएड वाला परसों, तो हम उनका दुख समझ सकते हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हम शिक्षा मित्रों का जब 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ था तो हमारे उन भाइयों ने हमारे बहते आंसू और पटाखे फोड़े थे, गोले दगाए थे और बहुत खुशी मनाई थी, लेकिन हम वो नहीं कर सकते, ना हमारा जमीर वो गवाह देता है क्योंकि हम उस दुख से गुजरे हैं। क्यों उस दुख को दे करके हमारे 8 से 10 हजार शिक्षा में साथी अपने परिवार को छोड़कर चले गए, हम अपने दुख में उनको भी शामिल करते हैं और उनके साथ हैं। वो भले हमारा विरोध करते रहे लेकिन हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कराने के लिए हर तरह से दौड़ रहे हैं। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे क्योंकि इलाहाबाद बेंच में शिक्षा मित्रों से संबंधित कई याचिकाएं लंबित हैं, उन्हीं का स्टेटस रिपोर्ट जानने और उनमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या उसका प्रभाव सरकार पर पड़ रहा है कि उसका प्रभाव सरकार पे गलत पड़ रहा है, क्योंकि अधिकारी भी न्यायालय में मामला लंबित होने का बहाना लेकर के कुछ ना कुछ टहलाने के चक्कर में रहते हैं कभी कभी। इसलिए हम लोग कोई भी ऐसा पहलू छोड़ना नहीं चाहते हैं जहां पर शिक्षा मित्रों का अहित हो जाए। अभी और हमने एक निवेदन किया था, आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी किया था, कि जब हम लोगों की बातचीत शासन में पॉजिटिव वे में चल रही है, बैठक होने वाली है, ऐसे में कुछ लोग जो अपने आप को भिन्न भिन्न संगठनों के नाम से प्रदेश अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी बनाकर अधिकारियों के पास जा रहे हैं, अलग अलग मांग पत्र रख रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा जब उचित फोरम पर कमेटी की बैठक होगी तो हम आप लोगों को भी बुलाएंगे और आपके सामने वार्ता होगी, आप भी अपनी इच्छा जाहिर कर लीजिएगा, यदि हमारे मांग पत्र में कोई कमी हो तो आप बता दीजिएगा, लेकिन अलग अलग मांग पत्र लेकर के अधिकारी और माननीय मंत्री जी के यहाँ ना जाएं। आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं सही रख पा रहे हैं तो हमने आपको आमंत्रित किया था कि जहां हम चल रहे हैं आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन अब 23 साल बाद शिक्षा मित्रों का भला हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको अगर संगठन में रुचि है, संगठन के पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो हम लोग अपना पद स्वेच्छा से त्याग देंगे,
आप लोग हमारे संगठन में रहें चाहे अपने संगठन को चलाएं, हमें कोई लालसा पद की नहीं है, सिर्फ हम लोगों की एक इच्छा है कि एक बार शिक्षा मित्रों का खोया सम्मान वापस हो जाए, समाज में हम मुंह दिखाने लायक हो जाएं कि हम योग्य थे, योग्य हैं और योग्य रहेंगे। हम पता पढ़ा रहे थे, आज पढ़ा रहे हैं, आगे भी पढ़ाएंगे। ये हम सबसे निवेदन करते हैं और शिक्षा मित्र साथियों से भी आग्रह करते हैं कि ऐसे लोग जो लोग समझाएं कि यदि उनको कुछ ऐसा लगता है तो हमारे साथ चलें और हमारे साथ पैरवी करें। हम लोग दिल्ली में बहुत सारे लोगों से मिले हैं, उन लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का, बात करने का और चर्चा करने का भरोसा दिलाया है और हमें पूरा भरोसा है कि जल्द ही हमारे संगठन के पदाधिकारी पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से मिलने में कामयाब होंगे। जिस हिसाब से पैरवी दिल्ली में हुई है, हमें पूरा भरोसा है कि हमें जल्दी ही समय मिलेगा और एक बार हम फिर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी बात को उचित फोरम पर रखेंगे और 2024 के चुनाव के पहले शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान जरूर निकलेगा। इसके हल के लिए हम वो सारे काम कर रहे हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं, बाकी सरकार और शासन पर निर्भर करता है कि वो हमारे लिए कितना पॉजिटिव सोचेंगे। ये बात कमेटी की बिल्कुल बैठक में निकल करके सामने आएगी। सुशील जी ठीक कह रहे हैं, लगातार आप लोगों से मिल रहे हो तो कोई ना कोई तो रास्ता निकलेगा। सुशील कुमार जी, पहली बैठक जो अब तक हो चुकी, अब बैठक कब है और क्या उम्मीद दिख रही है जो बातचीत हो रही है उसके मुताबिक? जी, पहली बैठक हो गई है, दूसरी बैठक बहुत जल्द होने वाली है। अभी आदरणीय निदेशक महोदय से टेलीफोनिक वार्ता भी हुई है, क्योंकि पिछले सप्ताह में होना था तो सत्र शुरू हो गया था और इस सप्ताह कुछ अधिकारी जो कमेटी में हैं वो लखनऊ से बाहर थे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 20 तारीख के बाद कमेटी की दूसरी बैठक, और हम तो उम्मीद करते हैं कि फाइनल बैठक हो जाए और दिसंबर लास्ट के पहले पहले प्रस्ताव सरकार को चला जाए और हमारे लिए कुछ निर्णय हो जाए।